बुद्ध की इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है, क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है, और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है, ये सोच शाश्वत है, ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज जितने इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है, यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा, और इसलिए मुझे विश्वास है पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इस दिशा में हम सभी देशों के प्रयासों के लिए एक प्रभावी मंच का निर्माण करेगी। मैं इस आयोजन के लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, इस समिट से मेरे आत्मीय लगाव की एक और वजह है, मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर स्थान में हुआ है उस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। वडनगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कभी बौद्ध यात्री ह्वेन संग ने भी वडनगर का दौरा किया था, और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी, एक्सकेवेशन में जो चीजें लगी हैं, बहुत सारी चीजें विस्तार से यहां रखी हुई है, और संयोग देखिए कि जन्म मेरा वडनगर में हुआ और काशी का मैं सांसद हूं, और वहीं सारनाथ भी स्थित है।